नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि DRT में अगर आपने कोई केस फाइल किया है या फिर बैंक ने कोई केस फाइल किया है और आपके खिलाफ कोई ऑर्डर आता है तो आप उस ऑर्डर को अपील कहाँ करेंगे। अगर आपने धारा 17 के अंतर्गत सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फाइल किया था, DRT में केस चल रहा था, लेकिन DRT ने बैंक के फेवर में जजमेंट दे दिया और आपके अगेंस्ट में जजमेंट हो गया, तो आपको आगे क्या करना है। तो देखिए, आप अगर चाहते हैं DRT के ऑर्डर को अपील करना है तो आप सरफेसी एक्ट के अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आप DRAT में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि DRAT में अपील करने से पहले आपको 50% डिपॉजिट करना पड़ेगा। पहले तो था कि आप DRAT में कोई केस फाइल कर रहे हैं और आपको अगर इंटरिम इंजंक्शन चाहिए या कोई स्टे एप्लीकेशन आपने लगाया है उस पर स्टे चाहिए तो वहाँ तो आपको 25% पेमेंट करना होता था, लेकिन यहाँ पर तो आपके अपील एप्लीकेशन को ही एक्सेप्ट कराने के लिए पहले ही आपको 50% पैसा जमा करना होगा। तो यहाँ पर कर्जदार के ऊपर एक बहुत बड़ा ये बर्डन होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है। मान के चलिए कि 50% आपने जमा भी कर दिया है और 50% वो बैंक के खाते में चला गया, लेकिन आपके अगेंस्ट में जो ऑर्डर आया है वही ऑर्डर वहाँ पर रिमेन रहा, बना रहा, तो फिर यहाँ पर आपके लिए नुकसान है। लेकिन हम आपको बता दें कि DRT के ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं आर्टिकल 226 के माध्यम से। देखिए, आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि वर्तमान समय में आपके पास उतना पैसा नहीं है। हालांकि आर्टिकल 226 में जो पावर है वो इनहेरेंट पावर है, वो बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट में पावर है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि DRAT के ऑर्डर को आप चैलेंज करें तो आपके पास अगर पैसा है तो आप सेक्शन 18 का इस्तेमाल करते हुए धारा 18 के अंतर्गत दिए गए जो प्रोविजंस हैं उसमें आप DRAT डेप्ट रिकवरी अपीलेंट ट्रिब्यूनल में आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो यहाँ पर 50% धनराशि जो आपको पे करना है, प्री डिपॉजिट करना है, उसको पे करने के बाद ही आप अपील कर सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 226 में तो वहाँ भी अपील कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हाई कोर्ट आपको DRAT भेज दे। लेकिन यहाँ पर अगर आपके काउंसिल अच्छे हैं, अगर वो आपकी बात को मानते हैं, तो फिर यहाँ पर आपके लिए वह एक रास्ता बना सकते हैं और यहाँ पर आपकी अपील को वो सुनवाई के लिए लिस्टिंग करा सकते हैं। तो बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग DRAT में अपील नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर 50% डिपॉजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी अगर अपील करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, 50% आपको जमा करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आपकी अपील एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, अन्यथा ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक कानून बना हुआ है कि अगर जो भी DRAT के ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है, अपील करना चाहता है सेक्शन 18 में, तो वह 50% पे करके अपील कर सकता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी DRAT में अपील करने के लिए प्रोविज़न और उसमें कितना पैसा लगता है। ये जो मैंने बताया है ये केवल आपको 50% पैसा पेमेंट करना है। अब वहाँ पे एडवोकेट की फ़ीस और कोर्ट की फ़ीस वो बिल्कुल अलग होगी। तो मान के चलिए कि यहाँ पे अच्छा खासा आपका एक बजट जाने वाला है, तो इसको आप ध्यान से ही देख करके ही करिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदार में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।